हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आपकी और आपके पर्सन के रिश्ते में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आ गई है और आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, तो ये रीडिंग इस टॉपिक पर रहने वाली है। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है, और आपका पर्सन थर्ड पार्टी से आपके बारे में क्या बातें करता है। रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द टावर, पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। साइन है कुंभ मिथुन तुला, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, मीन कर्क वृश्चिक, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। ओके, ये साइन आपके या फिर आपके पर्सन के हो सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, वैसे ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को आप चाहें तो अपने क्रश के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब फीलिंग्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास फर्स्ट कार्ड ये टावर का आ गया है और ये कार्ड इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा। जो कुछ भी इस पर्सन ने आपके साथ किया है, जो कुछ भी इस पर्सन ने आपको दिया है, वही थर्ड पार्टी के रूप में इस पर्सन को मिला है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का कर्मा थर्ड पार्टी के रूप में इस पर्सन को मिल चुका है। और यहाँ पर ये पर्सन कितना भी खुश दिखाने की खुद को कोशिश कर रहा हो, पर इस पर्सन की ज़िंदगी में कोहराम मचा हुआ है। इस पर्सन की ज़िंदगी में तो जैसे बिजलियाँ गिर रही हैं। जो इमारत इस पर्सन ने प्यार से बनाई थी थर्ड पार्टी के साथ, इस पर्सन ने जिस रिश्ते को बनाया था वो रिश्ता टूटकर बिखरता जा रहा है। और इस पर्सन को ये एहसास धीरे धीरे हो रहा है कि ये रिश्ता जो इस पर्सन ने आपका दिल तोड़कर बनाया है ना, उस रिश्ते में खुशियां सिर्फ चार दिन की थीं, अब तो गम के बादल मंडरा रहे हैं। ये रिश्ता इस पर्सन के साथ में, इस पर्सन ने आपका दिल तोड़कर बनाया था ना, तो अब थर्ड पार्टी इस पर्सन का दिल तोड़ रही है। धीरे धीरे ये पर्सन टूट रहा है, बिखर रहा है। इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि एक बहुत ऊंची इमारत से किसी ने इस पर्सन को उठाकर फेंक दिया हो। तो ये पर्सन खुद को बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस ऊंचाई पर ये पर्सन बैठ चुके थे, जिस घमंड और ईगो में ये पर्सन था, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन तो अपने जीवन में वो सारी चीज़ें पा सकता है जो ये पाने का हक रखते हैं। इस पर्सन को उस वक्त ये एहसास नहीं था कि जो रिश्ता इस पर्सन ने आपके साथ बनाया था, उस रिश्ते को तोड़कर एक नया रिश्ता ये पर्सन बनाएगा। तो ये पर्सन उस रिश्ते को कैसे निभाएगा? जो इंसान एक रिश्ते को नहीं निभा सका, तो वो दूसरे रिश्ते को कैसे निभाएगा? तो ये पर्सन खुद में बहुत ज़्यादा घमंड और ईगो में आ गया था। आपके साथ इस रिश्ते को निभाते हुए इस पर्सन को ऐसा लगने लगा था कि इस पर्सन की वजह से ही ये रिश्ते चल रहे हैं। ये पर्सन ही इतना ज़्यादा स्मार्ट, हैंडसम, अट्रैक्टिव, खूबसूरत या फिर इतना काबिल है कि यह हर रिश्ते को मैनेज करके चल सकता है। इसलिए इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ में रिश्ता बनाया। यही सोच इस पर्सन को ना बर्बाद कर रही है। धीरे धीरे ये पर्सन टूट रहा है, बिखर रहा है। और जो कुछ इस पर्सन ने सोचा था वो कुछ भी नहीं हुआ। अब जो कुछ इस पर्सन की ज़िंदगी में हो रहा है, ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने नहीं सोची थी कि थर्ड पार्टी इस पर्सन के साथ वही सब कुछ करेगी जो आपके साथ इस पर्सन ने किया। अब थर्ड पार्टी इस पर्सन को, इस पर्सन की हकीकत को दिखा रही है। और अब ये पर्सन समझ चुका है कि जिस तरह का बीज ये पर्सन बोएगा उसी तरह का फल पाएगा। तो अब इस पर्सन को जो फल थर्ड पार्टी के रूप में मिला है ना, इस पर्सन को कड़वा लग रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इतनी कड़वी भी हो सकती है, ये तो कभी इस पर्सन ने सोचा ही नहीं था। इस पर्सन की ज़िंदगी में जो कोहराम मचा हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से, अब ये इस कोहराम को थामना चाहता है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। इस पर्सन को जो स्पिरिचुअल साइन मिल रहे हैं वो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स के कार्ड में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो बहुत कुछ ऐसा इस पर्सन को अब रियलाइज़ होने लगा है। ये पर्सन अपनी गलती को समझ रहे हैं और आपके बारे में अपने फ्रेंड से बात करते हैं कि जो कुछ भी आज इस पर्सन की ज़िंदगी में कोहराम मचा हुआ है वो इस पर्सन की वजह से ही है, क्योंकि इस पर्सन ने जो कुछ आपके साथ किया ना, वो कहीं ना कहीं अब इस पर्सन का कर्मा बनकर इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी के रूप में मंडरा रहा है। और जो एक हैप्पी फैमिली का सपना इस पर्सन ने देखा था वो टूट कर बिखर गया है।
ये पर्सन जो चाहते थे वो नहीं हुआ, अब जो कुछ हो रहा है ये पर्सन उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति बन चुका है जो सपने बहुत बड़े बड़े देखता था। इस पर्सन की ख्वाहिश थी उन सपनों को पूरा करना, तो इस पर्सन ने कोशिश भी की। और थर्ड पार्टी आज इस पर्सन की ज़िंदगी में अगर है, आप इस पर्सन की ज़िंदगी में नहीं हैं, तो इस पर्सन ने आपको पाकर छोड़ दिया। अब थर्ड पार्टी को पाकर ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा था कि ये दुनिया का सबसे लकी इंसान है, जो जो चाहता है वो इस पर्सन को मिल जाता है। पर अब जब थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को इसकी हकीकत समझा दी है, कोहराम इस पर्सन की ज़िंदगी में मचा दिया है, तो अब ये पर्सन ये बात समझ चुका है कि किस्मत से ज़्यादा ना किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। अब इस पर्सन को इस पर्सन का कर्मा भी एक ऐसे रूप में मिल रहा है जो ये पर्सन उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा। तो अब थर्ड पार्टी के रूप में जो इस पर्सन को इसका कर्मा मिल रहा है ना, ये पर्सन टूट कर बिखरता जा रहा है। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक हैप्पी फैमिली का सपना अधूरा रह जाएगा और ये पर्सन इस तरह तनाव और अकेला रह जाएगा। इसलिए यह पर्सन अब आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करने लगा है, आपको ढूंढने लग गया है, आप कहाँ हैं, कैसे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगा है, आपके बारे में बातें करने लगा है अपने फ्रेंड से कि आपको ये पर्सन एक बार फिर से पाने की कोशिश करेगा। अगर आप इस पर्सन को कहीं मिलते हैं तो ये पर्सन बात करेगा आपसे, और ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात करके अपने कर्मों की माफ़ी मांगे, जो कुछ इस पर्सन ने आपके साथ किया उसकी माफ़ी मांग सकता है, क्योंकि ये हर जगह आपको तलाश करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर इस पर्सन के पास नहीं है तो ये पर्सन कहीं से लेने की कोशिश कर रहा है, आपके संपर्क में रहने की कोशिश ये इन फ्यूचर कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आए हैं ना, वो 10 of Cups एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं। यहाँ पर इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आप देख सकते हैं कि जो कुछ भी इस पर्सन की ज़िंदगी में इस पर्सन ने अचीव किया है उससे भी ये पर्सन खुश नहीं है, दुखी है, परेशान है। अब आपको यहाँ वहाँ तलाश कर रहा है, अपने आप को, अपने मन को टटोलने की कोशिश कर रहा है, क्या सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, इसके बारे में अपने फ्रेंड से बातें कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर आप इस पर्सन को भुला चुके हैं, छोड़ चुके हैं, इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं चाहते, तो भी आपके ना चाहने के बावजूद ये पर्सन एक ना एक दिन आपके सामने आएगा। क्योंकि ये पर्सन जिस दुख से, जिस दर्द से निकलने की कोशिश कर रहा है ना, तभी इस पर्सन को सुकून मिलेगा जब ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेगा। और यही वजह है कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, अपने फ्रेंड से आपके बारे में बातें कर रहा है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।